अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने साइंस की बुक देखिए, डिस्कवर साइंस क्लास फिफ्थ। देखिए इसमें हम लोग अपना पी ए फर्स्ट का सिलेबस जितना भी था वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंटेंट्स में देखिए सभी लोग मेरे साथ। अब हम लोग अपना क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसे वन का सिलेबस। ठीक, तो सबसे पहले एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कितना हम लोग को पी ए फर्स्ट में, जैसे मैंने सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। देखिए पी ए फर्स्ट में लेसन नंबर वन से लेकर लेसन नंबर फोर तक हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग का जो एसए वन का सिलेबस है वो लेसन नंबर वन से लेकर आएगा पूरा कहाँ तक, लेसन नंबर एट तक। ठीक है, ये टिक कर लिए सभी लोग मेरे साथ साथ। लेसन नंबर वन से लेकर लेसन नंबर एट तक हम लोग का क्या है, एसए वन, जिसमें से मैं आपको लेसन नंबर वन से लेकर लेसन नंबर फोर तक फोर पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ, फोर वीडियोस दे चुकी हूँ। पार्ट नंबर वन में मैंने आप लोग को लेसन नंबर वन एक्सप्लेन एक्सरसाइजेज विद क्वेश्चन आंसर करवाए थे। पार्ट नंबर टू में सेम लेसन नंबर टू इसी तरह से कंप्लीट करवाया था। देन पार्ट नंबर थ्री में लेसन नंबर थ्री और पार्ट नंबर फोर में लेसन नंबर फोर। ठीक है, ये जो फोर पार्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को फोर पार्ट्स में, सॉरी, ये जो फोर चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोगों को फोर पार्ट्स में दे चुकी हूँ। अब इसी में ही इंक्लूड हमारा फोर चैप्टर्स और हैं। ठीक है, फाइव सिक्स सेवन एट, लेसन नंबर फाइव, लेसन नंबर सिक्स, लेसन नंबर सेवन और लेसन चैप्टर नंबर एट। ठीक है, यहाँ अब जो हमारा पी ए फर्स्ट का सिलेबस वो सिर्फ फोर चैप्टर थे। ऐसे वन का जो सिलेबस होगा, यानी कि जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, जो समेटिव असेसमेंट फर्स्ट होंगे, उसमें आप लोग को लेसन वन से ही रिवाइज करना होगा पूरा लेसन नंबर एट तक। तो फोर चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, फोर वीडियोज़ मैं आपको दे चुकी हूँ, इसकी वीडियो अब मैं आपको नहीं दूंगी। ठीक है, इसी चैप्टर्स इसी वीडियो से ही आपको प्रिपेयर करना है। ये पी ए फर्स्ट के लिए आप लोग ये तैयार कर ही थे। ठीक है, तो अब मैं उसमें जो ऐड करवा रही हूँ वो चैप्टर है हमारा स्टार्टिंग लेसन नंबर फाइव। आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को, लेसन नंबर फाइव, लेसन नेम है फूड, पेज नंबर है 42। ठीक है, ये सभी लोग मेरे साथ निकाल लिए। ये यूनिट फोर है, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन का ही लेसन है, फोर यूनिट्स हैं। हेल्थ एंड हाइजीन यूनिट फोर है, इसमें फोर चैप्टर्स हैं। ठीक है, फोर चैप्टर में से फर्स्ट जो चैप्टर है यानी फिफ्थ नंबर पे जो है वो हमारा क्या है, फूड। क्लियर हो गया होगा ऐसे वन में कैसे क्या करना है। लेसन नंबर वन से अब आपको इतना याद रखना है कि पी ए फर्स्ट में वन टू फोर था, ऐसे वन में लेसन नंबर वन से लेकर लेसन नंबर एट तक है। ठीक है, ये फोर वीडियोज़ मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को ऐसे वन के लिए भी इन्हीं फोर वीडियोज़ में से ही प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब हम लोग आप लोग को मैं आप लोग को क्या पढ़ाने जा रही हूँ, लेसन नंबर फाइव। तो चलिए पेज नंबर निकाली, लेसन नेम क्या है, फूड। पेज नंबर निकाली, किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 42। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आइए सभी लोग, पेज नंबर, एक सेकेंड, पेज नंबर है हमारा 42। ठीक है, पेज नंबर 42 पर लेसन नंबर फाइव है, यहाँ पार्ट नंबर फाइव डालना है आप लोग को। पार्ट नंबर फाइव डालने के बाद यहाँ डेट शो करनी है आज की। ठीक है, जब भी आप लोगों की वीडियो अपलोड होती है वो डेट यहाँ पर शो करनी है। यूनिट फोर है, यूनिट थ्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट फोर है हेल्थ और हाइजीन, इसमें हम हेल्थ और हाइजीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, फूड। इस यूनिट में, यूनिट नंबर फोर में थ्री फोर चैप्टर्स हैं, तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे वो क्या है हमारा, फूड। इसमें हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे पेज नंबर 42 पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट है, वी ऑल नीड फूड, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, सम फूड आइटम्स हेल्प अवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। देखिए मैं पैरा वाइज रीड कर रही हूँ, एक्सप्लेन करती रहूँगी तो ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। फर्स्ट मैंने पैरा पढ़ा है वी ऑल नीड फूड, कह रहे हैं कि वी यानी हम, हमें, ऑल यानी सभी को, सबको, नीड यानी ज़रूरत, फूड यानी कि खाने की, फूड यानी खाना, खाने के लिए कह रहे हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको कह रहे हैं फूड। कह रहे हैं वी ऑल नीड फूड, यानी हम सभी को किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, फूड जो है हेल्प करता है, मदद करता है अस टू ग्रो, किसमें, हमें फूड जो है हेल्प करता है हमारी ग्रोथ, ग्रो हमें ग्रो होने के लिए। ठीक है, इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, हमें क्या, इट किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, फूड, यानी कि फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, कह रहे हैं कि इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम फूड आइटम्स हेल्प अवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज, कह रहे हैं कुछ फूड के आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीजेज से बचाने में। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज, यानी हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी ना हो, यानी बीमारी होने से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचाते हैं, तो कुछ ऐसे फूड्स भी है। ठीक है,
नेक्स्ट पैरा है, सेकंड पैरा, फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस विच अवर बॉडी नीड्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए सेकंड पैरा मैंने रीड किया है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं फूड कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, कह रहे हैं फूड जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस कंटेन करते हैं, कह रहे हैं विच आवर बॉडी नीड, जो हमारे बॉडी को नीड यानी कि ज़रूरत होती है, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, यानी कि फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर, कह रहे हैं जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और क्या हैं। देखिए द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें मेन न्यूट्रिएंट्स क्या हैं फूड के, ये चीज़ यानी कि ये फूड में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, फूड से कुछ फूड्स ऐसे हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कुछ फूड्स ऐसे हैं जिससे हमें प्रोटीन सॉरी फैट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे इसी तरह से प्रोटीन्स, किसी से विटामिन्स एंड किसी से मिनरल्स। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है थर्ड पैरा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, एनर्जी गिवन फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर फूड को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एनर्जी गिवन फूड, सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो अब हम वन बाई वन इन सभी फूड के बारे में, इन सभी ग्रुप के बारे में, तीनों ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी से ही मत पता चल रहा है, एनर्जी यानी ताकत, गिवन यानी देने वाले, फूड यानी कि खाना, यानी कि ऐसे फूड जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, उन्हें हम क्या कहें, क्या कहते हैं, एनर्जी गिविन, उन्हें हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविन फूड। ठीक, फर्स्ट है इसमें देखिए, फर्स्ट पैरा है पहले, एनर्जी गिविन फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कह रहे हैं एनर्जी गिविन जो फूड्स होते हैं वो किस में ज़्यादा रिच, यानी कि ज़्यादा होते हैं किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से और फैट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी जिस जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और जिस जिस फूड में फैट्स दोनों ही ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविन फूड। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर दी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर बर्न इनसाइड द बॉडी टू कीप इट वार्म एंड प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस एक्टिविटीज़। कह रहे हैं ये हमारे बॉडी के अंदर ही अंदर बर्न होती है, यानी कि जलती है, और हमारी बॉडी जो है उससे हीट वार्म होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ यानी कोई भी वर्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं दे ऑल्सो मेंटेन बेसिक बॉडी प्रोसेसेस। कह रहे हैं ये हमारी बॉडी के जो भी प्रोसेसेस हैं उसको भी मेंटेन करके रखती है। क्या कौन क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च। कह रहे हैं जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, शुगर और स्टार्च, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर फाउंड इन प्लेंटी ऑफ इन स्वीट, स्वीट यानी मिठाई थिंग्स एंड स्टार्ची फूड सच एज पोटैटोज, केक्स, ब्रेड, राइस एंड जैम। कह रहे हैं कि शुगर और स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा किस में मिलते हैं, स्वीट्स में, स्वीट्स थिंग में यानी मीठी चीज़ों में, और स्टार्ची फूड जैसे कि पोटैटो है, केक्स हैं, ब्रेड है, राइस और जैम। ठीक है, नेक्स्ट है फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। कह रहे हैं फैट जो है वो भी हमें एनर्जी देती है, इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक कह रहे हैं कि फैट से जो है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 9 कैलोरिक एनर्जी। कह रहे हैं कि फैट का सिर्फ 1 ग्राम यानी 1 ग्राम अगर हमने फैट लिया है तो उससे 9 कैलोरी एनर्जी हमें गेन होती है यानी कि मिलती है, वाइल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड ओनली 4 कैलोरी एनर्जी। लेकिन कह रहे हैं उधर अगर 1 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो सिर्फ उससे 4 कैलोरी यानी कि 2 कैलोरी ज़्यादा, 2 कह रहे हैं 5 कैलोरी ज़्यादा हमें मिली हैं
किससे, फैट से। यानी कि कह रहे हैं अगर हमने 1 ग्राम फैट लिया है तो हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिली है, और अगर हमने सेम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है तो सिर्फ और सिर्फ हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिली है। इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि कार्बोहाइड्रेट के और कार्बोहाइड्रेट और फैट को अगर कंपेयर किया जाए तो जो दोनों में से ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन है, फैट है। ठीक है, एकदम डबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, बट डॉक्टर से दैट टू मच ऑफ फैट कॉजेज ओबेसिटी और मोटापा। कह रहे हैं कि लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फैट लेंगे तो उससे हमें ओबेसिटी हो सकती है और मोटापा, यानी कि हम मोटे भी हो सकते हैं। सो वी शुड टेक ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, कह रहे हैं इसलिए। सो यानी कि इसलिए वी शुड टेक, यानी कि हमें ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ फैट, यानी कि ज़्यादा तादाद में फैट नहीं लेना चाहिए, कम तादाद में, स्मॉल अमाउंट यानी कि कम तादाद में फैट हमें लेना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमें ओबेसिटी भी हो सकती है और जिसको हम मोटापा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, घी, बटर, नट्स एंड ऑयल आर द गुड सोर्स ऑफ फैट। कह रहे हैं फैट अगर आपको पता करना है कि फैट किस में है तो वो किस किस में ज़्यादा पाया जाता है फैट, घी में, बटर, नट्स एंड ऑयल, या ठीक है इन सभी चीज़ों में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फैट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सेम पेज नंबर 42 पर ही, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी, अभी हमने क्या पढ़े थे, एनर्जी गिविन फूड। ठीक है, जिससे एनर्जी गिविन फूड में हमने क्या पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से ही, दोनों से ही हमें बहुत एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम ऑफ फैट ले रहे हैं तो हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिल रही है, और अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 कैलोरी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन हमने एक चीज़ इसमें और पढ़ी थी कि हमें ज़्यादा भी फैट नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, ओबेसिटी और मोटापा आ सकता है। ठीक है, सेम ओबेसिटी मोटापा ही है। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। हाँ, फिर हमें लास्ट में यहाँ पर हमें क्या बताया था कि फैट, सॉरी, हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो किस किस फूड से, फूड से मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेकंड, इसमें सेकंड ग्रुप था बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में पढ़ी, हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं अब हम इसमें क्या है, पेज नंबर 42 पर ही है। बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन। कह रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं। एनर्जी गिविन फूड किस में ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। एनर्जी गिविन फूड आइटम किस में ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है, बॉडी बिल्डिंग फूड जो हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो वेल। कह रहे हैं प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 43 पर। ठीक है, पेज नंबर 43, दे ऑल्सो हेल्प टू, दे किसके लिए कहा गया है यहाँ पे, प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी। यंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड देन एडल्ट। कह रहे हैं यंग चिल्ड्रेन को, यानी छोटे बच्चों को नीड, ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रोटीन की रिच फूड, यानी कि ऐसे फूड लेना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता हो, वो छोटे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है एज अ कम्पेयर टू एडल्ट, यानी कि बड़ों से। यानी कि बड़ों को इतनी ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत है प्रोटीन्स की, सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है अपनी अपनी जगहों पर, लेकिन अगर चिल्ड्रन और यंग चिल्ड्रन को और अगर एडल्ट को कंपेयर किया जाए तो यंग चिल्ड्रन को ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन्स की। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू नो वाई, कह रहे हैं आपको पता है ऐसा क्यों। दिस इज़ बिकॉज द चिल्ड्रन कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम। इसलिए क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यंग वन को प्रोटीन देंगे तो उनकी जो ग्रोथ होगी ऑल टाइम ग्रोइंग, यानी कि हर समय उनकी ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। ठीक है, यानी कि अच्छी ग्रोथ होगी। मीट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट एंड सोयाबीन आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। यहाँ आपको गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बताए गए हैं, जैसे कि मीट है यानी गोश्त, फिश है, एग है, मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क से बनाने वाली जो भी चीज़ें हैं वो, और सोयाबीन, ये सभी क्या हैं हमारे गुड सोर्स हैं किसके, प्रोटीन के। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़े थे गुड सोर्स हैं किसके, ये फैट्स के, इसी तरह से यानी इनसे हमें फैट्स मिलता है, इनमें फैट प्रेजेंट होता है, इनमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिए टू, सेकेंड है हमारा, सेकेंड ग्रुप है प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड में देखिए क्या कह रहे हैं, हमने फर्स्ट पढ़ा है एनर्जी गिविन फूड, थर्ड ग्रुप पढ़ा है हमने बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, सेकेंड ग्रुप, नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टिव फूड।
प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, कह रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड आइटम जो हैं वो विटामिन्स में और मिनरल्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एनर्जी गिविन फूड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में और फैट्स में ज़्यादा थे। बॉडी बिल्डिंग फूड जो हैं वो प्रोटीन्स में ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड जो हैं वो किस में ज़्यादा हैं, विटामिन्स और मिनरल्स में, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर मेन फंक्शंस ऑफ द बॉडी, कह रहे हैं विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के जो मेन फंक्शंस हैं उसको वो वर्क करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आवर बॉडी नीड्स ओनली टिनी अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, कह रहे हैं हमारी बॉडी को टिनी यानी बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत होती है विटामिन्स की और मिनरल्स की, यानी हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है विटामिन्स और मिनरल्स की, ठीक है। बट देयर शॉर्टेज और डिफिशेंसी कॉजेज में डिजीज, लेकिन अगर इसकी कमी होगी विटामिन्स और मिनरल्स की तो उसकी वजह से हमें डिजीजेज यानी कि बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमसे विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा लेने के लिए नहीं कहा है तो हम उसको बिल्कुल लेना ही बंद कर दें। अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होंगे तो उसकी वजह से, उसकी कमी से, यानी हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से हमें बीमारियाँ भी हो सकती हैं, वो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं लैक ऑफ विटामिन ए, कह रहे हैं विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, इसमें हमें रात में दिखना कम हो जाता है। एंड लैक ऑफ मिनरल आयरन लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कह रहे हैं रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे कम हो सकते हैं अगर मिनरल्स की कमी होगी, कॉजिंग अनीमिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा, यानी कि मिनरल्स की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन्स की कमी से, विटामिन ए बहुत से विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए आपको सिर्फ यहाँ पर गिवे नहीं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और मिनरल्स की कमी से हमें क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स हमारे बनना कम हो जाएंगे जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखिए जैसे कि हमने एनर्जी गिविन फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किस में पाए जा रहे थे, यहाँ एग्जाम्पल में पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से प्रोटीन किस में पाए जा रहे थे, यहाँ हमने ज़्यादा पढ़े थे, यानी कि प्रोटीन जो है वो ज़्यादा किस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हमने यहाँ पर पढ़ लें विटामिन्स और मिनरल्स किस में होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियाँ, हरे पत्ते वाली सब्जी, पत्ते वाली सब्जियाँ, ऐसी सब्जियाँ जिसमें हरे पत्ते हो, ठीक है। एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स में आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड्स दीज फूड्स आइटम्स आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज, कह रहे हैं इसके अलावा हमारी बॉडी को वाटर, रफेज वाटर की, पानी की भी जाहिर से बातें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड से ही या न्यूट्रिएंट्स से ही, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, उन्हीं से ही हमारी जो ज़िंदगी है यानी जो भी हमारी डाइट है वो ठीक रह सकती है। ऐसा नहीं है, हमें वाटर रफेज की भी ज़रूरत है, ठीक है, बगैर पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट अवर फूड, कह रहे हैं वाटर किस में हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में कौन है जो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, वो है वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट, कह रहे हैं कि हाँ ये जो वाटर है ये और किस में हेल्प करता है, ये रिमूव करता है वेस्ट यानी जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट है हमारी बॉडी फ्रॉम द बॉडी, किस फॉर्म में, यूरिन और स्वेट, पसीने की फॉर्म में। नेक्स्ट है आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, कह रहे हैं हमारी बॉडी को 6 ग्लास वाटर की ज़रूरत होती है एवरी डे यानी कि हर दिन, यानी कि हमें हर रोज़ 6 ग्लास पानी यानी 6 ग्लास ऑफ वाटर मोस्टली पीना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है रफेज इज़ द फ्रूट वेजिटेबल एंड इन द कवरिंग ऑफ ग्रेन्स, सलाद रफेज में क्या क्या आ गया, जैसे कि हम सलाद लेते हैं, इज़ द गुड सोर्स ऑफ रफेज, सलाद में बहुत ज़्यादा रफेज पाया जाता है। रफेज कीप्स द बाउल मूवमेंट प्रॉपर एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, इससे क्या होता है हमारी जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो हमारा ठीक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पेज सेम पेज नंबर पर आप बैलेंस डाइट। अब हमने ये 3 ग्रुप्स पढ़ लिए हैं, एनर्जी फर्स्ट था हमारा एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड था हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड और थर्ड क्या था हमारा प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। अब हम सेम पेज नंबर 43 पर नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आप बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है वो क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं, ठीक, और ये हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इतनी। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट पैरा है सबसे पहले, अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट इंक्लूड्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स वाटर एंड रफेज, यानी कि बैलेंस डाइट में हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि एनर्जी गिविन फूड में कार्बोहाइड्रेट फैट्स की भी ज़रूरत है, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स थे उनकी भी ज़रूरत है। नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर हमने फिर प्रोटेक्टिव फूड्स पढ़े थे, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है, और नेक्स्ट सेम पेज नंबर पर ही पेज नंबर 43 पर ही वाटर और रफेज पढ़ा था, यानी इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इन सभी चीज़ों से हमारा कंप्लीट क्या बनता है, बैलेंस डाइट, ठीक है।
नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फूड यू नीड ईच डे डिपेंड ऑन योर एज साइज एंड सेक्स. कह रहे हैं जो तुम भी फूड लेते हो नीड ईच डे यानी कि हर रोज़ जो तुम्हें ज़रूरत है फूड की वो तुम्हारी एज पर और तुम्हारी साइज सेक्स पर डिपेंड करता है एज वेल एज़ योर जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी. और जैसे जैसे एक्टिविटी यानी कि जैसे जैसे आप अगर आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा भूख लगेगी. ठीक है, तो इसी चीज़ पर कह रहे हैं कि आप लोग जो भी जैसे कि जिस हिसाब से वर्क करते हैं जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यानी जो भी हरकतें कर रहे हैं उस पर आपके साइज पर आपके एज पर और आपके सेक्स पर डिपेंड करता है कि आप किस अमाउंट में फूड को लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है इन जनरल बॉयज़ एंड मैन नीड मोर फूड एनर्जी देन गर्ल्स एंड वुमेन. कह रहे हैं जनरली कहा जाता है बॉयज़ को यानी लड़कों लड़के जो हैं और जो मैन हैं यानी जो आदमी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेते हैं एनर्जी लेते हैं और एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स और वुमेन्स यानी कि लड़कियों के मुकाबले और औरतों के मुकाबले जो लड़के और आदमी होते हैं वो ज़्यादा फूड लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 44 पर है केयरिंग फॉर फूड. अब हमें कैसे केयरिंग करनी चाहिए फूड की. ठीक है, फूड हमें फूड की केयरिंग भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम केयर फूड की नहीं करेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें फर्स्ट पैरा है देखिए फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स वी शुड टेक गुड केयर ऑफ इट. कह रहे हैं फूड जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है हमें फूड की और कह रहे हैं वी शुड टेक गुड केयर ऑफ इट यानी कि हमें फूड की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए. हेयर आर आर फ्यू मेजर्स विच कैन बी हेल्पफुल इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड एंड मेकिंग इट अ हेल्दी डाइट. कह रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ मेजर्स कुछ पॉइंट्स गिवेन हैं जिससे हमें क्या क्लियर होगा कि हमारा जो फूड है वो वेस्ट होने से बच जाए और हम उसकी अच्छे से केयर कर सकें. ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट्स गिवेन हैं आपको. फर्स्ट है वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली टू रिमूव डर्ट या डर्टी एंड जम्स. कह रहे हैं फ्रूट्स को कोई भी फल है फ्रूट्स यानी फल और कोई भी वेजिटेबल्स हैं यानी कोई भी सब्जियाँ हैं उनको प्रॉपरली यानी कि अच्छे से उनकी डर्टी और उसको जम्स हटाने के लिए उसको क्या करना चाहिए वॉश करना चाहिए. वॉश यानी कि धोना चाहिए. ठीक है, कोई भी कोई भी हमारा फ्रूट हो किसी भी तरह की कोई किसी भी तरह का फल हो किसी भी तरह की सब्जी हो हमें उसको हर हाल में धोना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि ताकि उससे क्या हो हमें वॉश करना चाहिए. वॉश करने से हमारा उससे क्या होगा हमारे जो भी उसके ऊपर डर्टी या जो भी जम्स हैं गंदगी है वो सभी क्या होगी रिमूव हो जाएगी यानी कि हट जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ फूड. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. कह रहे हैं ओवर कुकिंग यानी कि खाने को ज़्यादा भी पकाना नहीं चाहिए. खाना ज़्यादा पकाने से जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, ओवर कुकिंग यानी कि ज़्यादा पकाना. तो हमें खाने को ज़्यादा पकाने से भी अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड यानी कि हटाना चाहिए यानी कि हमें खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए. उससे क्या होता है हमारा जो फूड है वो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या पढ़ाया था कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैट्स हैं विटामिन्स मिनरल्स हैं और वाटर रफेज है जो भी चीज़ें हैं. ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती हैं फिर प्रोटीन्स हैं ये सभी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती ख़त्म हो जाती है जब हम फूड को ओवर कुकिंग करते हैं फूड की यानी कि जब फूड को हम ज़्यादा पकाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट स्टोर फूड इन अ कूल प्लेस लाइक द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर कीप्स द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम. कह रहे हैं फूड को यानी स्टोर करिए यानी संभाल कर रखिए फूड को किस जगह कूल प्लेस यानी ठंडी जगहों पर यानी जो ठंड जगह हो जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर है फ्रिज को हम कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर. इसमें क्या होता है आप रेफ्रिजरेटर कीप्स द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम. कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर जो है यानी कि जो फ्रिज है उसमें हमारा फूड जो है वो फ्रेश यानी ताज़ा रहता है फॉर लॉन्गर टाइम यानी कि लंबे समय तक. ठीक है, नेक्स्ट है बिसाइड्स गुड फूड आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एक्सरसाइज एंड रेस्ट टू रिमेन हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग. कह रहे हैं कि बिसाइड गुड फूड्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड एक्सरसाइज. हाँ, कह रहे हैं कि गुड फूड यानी अच्छे फूड के साथ साथ हमारी बॉडी को ऑल्सो यानी हमारी बॉडी को नीड यानी कि एक्सरसाइज की भी ऑल्सो यानी की भी ज़रूरत है और रेस्ट की भी ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि हम एक्टिविटीज़ ही करते रहें यानी कि कोई भी वर्क करते रहें और सिर्फ फूड लेते रहें तो हमारी बॉडी फिट रह सकती है. ऐसा नहीं है. अगर हमें अपनी बॉडी को गुड रखना है हमारी बॉडी को फिट रखना है तो हमें उसके साथ साथ अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी लेने होंगे. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सरसाइज भी और रेस्ट भी लेना ज़रूरी है. ठीक है, जिससे हमारी बॉडी क्या होगी रिमेन हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग. जिससे हमारी बॉडी हेल्दी होगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी मजबूत रहेगी और सेहतमंद रहेंगे. हेल्थ मतलब सेहतमंद सेहत और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी की यानी हमें अपने फूड की कैसे केयरिंग कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज. अब हमें एक्सरसाइज की बात यहाँ पर एक्सरसाइज का जिक्र है तो हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फिर रेस्ट. पेज नंबर 45 पर पढ़ेंगे हम रेस्ट. ठीक है, अभी चलिए 44 पर है हमारा एक्सरसाइज. एक्सरसाइज क्या है
एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। कह रहे हैं एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी जो है वो फिट और हेल्दी रह सके। ठीक है, तो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है तो हमें क्या करना होगा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक्सरसाइज करनी होगी। नेक्स्ट है, इट मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है, हमें एक्सरसाइज करने से हमारे जो मसल्स हैं वो हमारे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत रह सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी डू एक्सरसाइज। कह रहे हैं कि हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हम एक्सरसाइज जो है वो क्यों करते हैं। वी टेक इन मोर ऑक्सीजन एंड आवर हार्ट पम्प्स मोर ब्लड। कह रहे हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो पम्प, ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट यानी पम्प उसमें हो सकता है। ठीक है, दस दिस हमें पता ही है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कौन करता है, हार्ट करता है यानी दिल। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ फास्टर एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट मोर ब्लड एंड मोर ऑक्सीजन। कह रहे हैं इस तरह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बॉडी, हमारा जो ब्लड है वो तेज़ी से सर्कुलेशन होता है, उसका हार्ट जो है वो तेज़ी से उसका सर्कुलेशन करता है और हमारी सभी पार्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँच जाता है और एंड मोर ऑक्सीजन, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, इस वक्त एक्सरसाइज करते वक्त आवर स्वेट ग्लैंड्स ऑल्सो बिकम मोर एक्टिव। हमारे जो स्वेट ग्लैंड हैं वो भी हमारे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हमारी बॉडी प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज। कह रहे हैं एक्सरसाइज का जो रिजल्ट आता है वो क्या है, आवर एपिटाइट इज इंक्रीज एंड वी कैन डाइजेस्ट अवर फूड वेल, वी बिकम मोर एनर्जेटिक। कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से जो भी हमने खाना खाया है वो भी हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और वी बिकम मोर एनर्जेटिक, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, यानी कि वी बिकम मोर एनर्जेटिक यानी कि हम ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ठीक है, कब, जब हम सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, जो भी हम इस चैप्टर में पढ़े हैं वो सभी चीज़ें हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि हमने बहुत न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट लिया तो हमारी बॉडी फिट है, ऐसा नहीं है। हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स था, प्रोटीन्स थे, नेक्स्ट हमने मिनरल्स विटामिन्स पढ़े थे, फूड्स वाटर पढ़ा था और फेज पढ़ा था। नेक्स्ट अब हमारे उसके साथ साथ क्या है कि हमें फूड की केयरिंग भी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और रेस्ट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मिलाकर अगर हम ये सभी चीज़ें अपने डेली रूटीन के हिसाब से करें तो हमारी जो बॉडी है वो कैसी रह सकती है, फिट रह सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें फिर, आउटडोर गेम्स लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग एंड जॉगिंग। कह रहे हैं आर गुड एक्सरसाइजेस। कह रहे हैं जैसे कि अगर आपको, ये भी आपकी एक एक्सरसाइज है जो आउटडोर गेम्स है, आउटडोर यानी आउट यानी बाहर, डोर यानी के डोर के यानी गेट के, जो आउटडोर गेम्स है यानी कि जो घर के बाहर खेले जाते हैं, जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, ये सभी क्या हैं, आउटडोर गेम्स, यानी हम इंडोर यानी कि जो अंदर, तो घर के बाहर जो खेलने वाले गेम्स हैं वो क्या हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग और भी बहुत से हैं, रनिंग एंड जॉगिंग। कह रहे हैं ये भी क्या है, एक गुड अच्छी यानी एक्सरसाइज है करना। ठीक है, तो हमें साइकिलिंग भी करनी चाहिए यानी साइकिल चलानी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, रनिंग दौड़ना भी चाहिए और जॉगिंग। ठीक है, ये सभी क्या हैं, गुड एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट है, मॉर्निंग वॉक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। देखिए कह रहे हैं सेम पेज नंबर पर हैं, पेज नंबर 44 पर ही, पेज नंबर में बताती जा रही ताकि आप कहीं इधर उधर मिस ना हो जाए। ठीक, कह रहे हैं मॉर्निंग वॉक इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। कह रहे हैं मॉर्निंग वॉक यानी कि जो सुबह में जो हम मॉर्निंग यानी सुबह में वॉक चलना जो है वो भी हमारे लिए क्या है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या होता है, उससे हमें ताज़ी ताज़ी हवाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है, दिस वे यू कैन ब्रीथ फ्रेश एयर। देखिए कह रहे हैं इस तरह से यानी मॉर्निंग वॉक पर अगर आप जाएंगे तो इस वे में यानी इस तरह से, वे यानी तरह से आपको फ्रेश हवा यानी कि ताज़ा हवा ब्रीथ यानी कि ले सकते हैं, ब्रीथ यानी कि आपको ताज़ी हवा मिल सकती है, कब, जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। नेक्स्ट है, तो इसलिए कह रहे हैं मॉर्निंग वॉक भी, हमें ताज़ी हवा की भी ज़रूरत है, फ्रेश एयर लेनी चाहिए हमें, डर्टी एयर नहीं लेनी चाहिए। अगर हम डर्टी एयर लेंगे तो उससे हमारी बॉडी में डिजीज़ भी हो सकती हैं, हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस वे यू कैन ब्रीथ फ्रेश एयर विच इज़ मच नीडिड बाई द बॉडी। कह रहे हैं इस तरह से यानी कि आप मॉर्निंग में अगर वॉक करने जाएं तो इस तरह से आप लोग फ्रेश एयर अपनी बॉडी में ले सकते हैं और आपकी बॉडी जिससे क्या रह सक, जो कि नीडिड बाई द बॉडी, जो आपकी बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, किसकी, फ्रेश एयर की, वो हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम एक्सरसाइज करें, सॉरी जॉगिंग वॉक करेंगे, कब, मॉर्निंग में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैरा है,
अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज गुड पोस्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. बैड पोस्चर कॉजेज स्ट्रेन. कह रहे हैं गुड पोस्चर जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए, यानी कि एक ये भी एक क्या है हमारा एक्सरसाइज है कि हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, एक हेल्दी होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है द ब्लड कैन नॉट सर्कुलेट फ्रीली एंड वी फील एग्जॉस्टेड वाइल सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग वी शुड कीप अपराइट. कह रहे हैं कि जब ब्लड कैन नॉट सर्कुलेट फ्रीली एंड वी फील एग्जॉस्ट. कह रहे हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी हम अगर सिर्फ और सिर्फ आराम ही करेंगे तब भी हमारा सर्कुलेशन नहीं होगा, तो उसके लिए हमें सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग इन सभी में हमारा क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन होता है. वी शुड कीप अपराइट. ये सब हमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है लास्ट पैरा है एक्सप्लेनेशन का, पेज नंबर 45 पार्ट नंबर 5 का लास्ट एक्सप्लेनेशन है. लास्ट पेज एक्सप्लेनेशन का इसमें क्या है लास्ट रेस्ट. रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट कहते हैं आराम को. यानी कि मैंने अभी यहाँ पर आपको क्या बताया था, एक्सरसाइज और रेस्ट भी हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग यानी हेल्थ और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ज़रूरी है. ठीक है. एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज और रेस्ट ही नहीं सभी चीज़ें जितनी हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो सभी चीज़ें हमारी बॉडी में हमें करना ज़रूरी है. ठीक, करना ज़रूरी है. नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 45 पर. अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज नंबर 45 पर रेस्ट. रेस्ट यानी कि आराम. इट इज़ नेसेसरी टू गिव प्रॉपर रेस्ट टू अवर बॉडी. कह रहे हैं ये ज़रूरी है कि हमारी बॉडी जो है उसको प्रॉपर वे में रेस्ट मिलना चाहिए. रेस्ट इंक्रीजेज अवर इफिशेंसी एंड गिव अप स्ट्रेंथ टू वर्क मोर. कह रहे हैं रेस्ट जो है इंक्रीजेज अवर इफिशेंसी एंड गिव अप स्ट्रेंथ टू द मोर. कह रहे हैं रेस्ट से क्या होता है, हमें थोड़ी सुकून, हमें थोड़ी राहत मिलती है, इसकी वजह से हमें थोड़ी हम और सुकून मिलता है. हमें बॉडी हमारी बॉडी कैसी फील करती है उस वक्त, रेस्ट फील करती है. ठीक है. इसकी वजह से जब हम रेस्ट के बाद जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सुकून में होती है और हम इजीली कोई भी वर्क सुकून से कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन वी रेस्ट अवर मसल्स रिलैक्स एंड ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट स्लो डाउन. कह रहे हैं जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं यानी आराम के वक्त, हमारे जो मसल्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं यानी शांत हो जाते हैं, और ब्रीथिंग यानी जो हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है वो भी हमारी स्लो हो जाती है. तो आपने देखा होगा जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है. ठीक है. जब आप जग रहे होते हैं उसके मुताबिक एज कम्पेयर टू स्लो, उसमें अगर आप सो रहे हैं तो उसमें क्या होगी, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी. नेक्स्ट कह रहे हैं आफ्टर द रेस्ट, रेस्ट के बाद वी फील फ्रेश. हमें कैसा फील होता है, फ्रेश एकदम ताज़ा फील होता है अगेन फिर से. ठीक है. इसलिए ऐसा भी नहीं कि आप दिन भर कोई भी एक्टिविटी करे जा रहे हैं, कोई वर्क करे जा रहे हैं, दिन भर लगे हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है. रेस्ट करने से क्या होगा, हमारे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे और हमारा जो हार्ट बीट होगी वो भी स्लो डाउन हो जाएगी रेस्ट करते वक्त. ठीक है. और हमें जब हम रेस्ट करने के बाद जब हम दोबारा से उठेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, फ्रेश नज़र आएगी अगेन यानी कि दोबारा से. ठीक है. नेक्स्ट है स्लीप गिव्स अवर बॉडी टाइम फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स. कह रहे हैं कि स्लीपिंग जो है यानी रेस्ट जो है यानी स्लीपिंग जो है वो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए यानी जो हमारे जो सेल्स हैं उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ठीक है. तो ज़्यादा से ज़्यादा ना ही हमें ये सभी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं चैप्टर में वो हमें ज़्यादा लेनी है और ना ही हमें कम लेनी है. ठीक है. मीडियम लेना है. ठीक है. जिससे हमारी बॉडी जो हो वो कैसी रह सके, फिट रह सके और हमारी बॉडी स्ट्रांग रह सके और हम लोग कैसे रह सकें, हेल्दी रह सकें. ठीक है. ये हमारे चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया पेज नंबर 42 से लेकर पेज नंबर 43, 44, 45 के हाफ पेज तक. ठीक. अब हम लोग अपने एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 45 पर है. यहाँ पर पार्ट नंबर 5 डाल लिएगा और सेकेंड चीज़ के हम डालते हैं डेट शो कर लिएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पेज नंबर फिर 46 पर है हमारे आंसर द फॉलोइंग. बी है हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सी है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और डी है ट्रू फॉल्स. ठीक है. यहाँ पर फिर पेज नंबर 47 पर सी है मेक अ मील चार्ट फॉर योर सेल्फ. यानी कि आपको संडे से लेकर सैटरडे तक यहाँ लिखना है और आप संडे में ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, देन संडे में लंच में क्या लेते हैं, लंच यानी दोपहर का खाना, देन संडे में डिनर में क्या लेते हैं. ये आप लोग को चार्ट जो है ये आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा. ठीक है. ये आप लोग को खुद से कंप्लीट करना है. ठीक. तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइजेस करते हैं. पेज नंबर आ जाइए पेज नंबर 45 पर. ए है सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन. यानी कि चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन या स्टेटमेंट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है. ठीक. फर्स्ट 3 टिक द करेक्ट ऑप्शन है इसमें. आई थिंक हाँ सभी के 3 3 ऑप्शन इसमें गिवन है. 1 ऑप्शन जो है वो इसमें कैसा है, करेक्ट है.
फर्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ अ चाइल्ड ईट्स टू मच ऑफ फैट। कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन इफ़ अ चाइल्ड, यानी कि क्या होगा अगर कोई भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फैट ले लेगा तो क्या होगा। ही विल बिकम स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत हो जाएगा, या ही विल बिकम वीक, या वो कमज़ोर हो जाएगा, या ही विल बिकम ओबीज, यानी ओबीज यानी ओबिसिटी यानी कि मोटापा। तो मैंने क्या बताया था, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फैट ले लेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको क्या होगी, ओबिसिटी हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो मोटापा उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट का हमारा हो गया ऑप्शन सी करेक्ट, ही विल बिकम ओबेज, यानी ओबेसिटी को कहा गया है यहाँ पर ओबेज, ठीक है, या फिर मोटापा। नेक्स्ट है सेकेंड, हु विल नीड मोर प्रोटीन रिच फूड। कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, सॉरी हु विल नीड मोर, हाँ कह रहे हैं कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऐसे किसको लेने चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। ठीक, तो एन ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत को, या एक 15 साल के बच्चे को, या फिर एक ओल्ड मैन को या एक बूढ़े आदमी को। तो मैंने क्या बताया था कि जो बच्चे होते हैं यानी एज ऑफ 15 ईयर्स, इनको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यानी तादाद में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री है, तो यानी टू का हमारा क्या हो गया ऑप्शन बी करेक्ट, अ चाइल्ड ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, टिक करिएगा यहाँ पर, यहाँ टिक करना है सभी को, यहाँ कोई भी टिक नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट है थ्री, हु विल नीड मोर एनर्जी रिच फूड। कह रहे हैं कि मोर एनर्जी रिच फूड यानी कि ज़्यादा एनर्जी किसको लेनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, या कुली एट द रेलवे स्टेशन, या रेलवे स्टेशन पर जो कुली होते हैं, कुली किसे कहते हैं जो हमारा सामान स्टेशन पर इधर से उधर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सी, अ मैन रेस्टिंग ऑन अ चेयर, या फिर वो आदमी जो एक चेयर पर रेस्ट कर रहा है। तो इन तीनों में से किसे फूड ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को, या एक कुली को, या एक आराम करते हुए आदमी को। तो मैंने क्या बताया है, जिसको ज़्यादा वर्क करना है उसको ज़्यादा एनर्जी लेने की ज़रूरत है, तो वो कौन है, अकुली एट द रेलवे स्टेशन। तो हमारा थर्ड का क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी अकुली एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर सभी को टिक करना है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 46 पर, पेज नंबर 46 पर यहाँ देखिए, सबसे पहले आंसर बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको यहाँ पर हमें कॉपी में करेंगे भी। सी देखिए, फिलिंदा ब्लैंक्स, फाइव फिलिंदा ब्लैंक्स है, ये भी चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट देखते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स इज फाउंड इन प्लेंटी इन डैश थिंग्स। मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, स्वीट थिंग्स में, यानी कि मीठी चीज़ों में। सेकेंड है, फैट्स गिव डैश एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कह रहे हैं फैट जो है उससे क्या मिलती है हमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक ज़्यादा मिलती है, मोर यानी कि ज़्यादा। नेक्स्ट है थ्री, यंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ डैश। कह रहे हैं यंग बच्चे यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना, नीड यानी कि ज़रूरत होती है, लॉट ऑफ यानी कि ज़्यादा किस चीज़ की, प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, लैक ऑफ आयरन इन द डाइट कॉजेज डैश। कह रहे हैं लैक ऑफ आयरन इन द डाइट यानी कि डाइट में अगर हम आयरन कम लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, विटामिन अगर हम कम लेंगे तो विटामिन ए की, बहुत से विटामिन होते हैं, विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक, मैंने दो ही बताए थे सिर्फ आपको, विटामिन से और आयरन से, आयरन की कमी से क्या बताया था, एनीमिया बताया था। यहाँ पर आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, एंड लैक ऑफ मिनरल आयरन लेड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारी कम हो जाएंगे और हमारी एनीमिया हमें हो सकता है। ठीक है, किस पेज नंबर पर था ये, पेज नंबर 43 पर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर एक्सरसाइज पर ही, पेज नंबर 46 पर। फर्स्ट हमारा हो गया स्वीट, सेकंड हमारा हो गया मोर, थर्ड हमारा हो गया प्रोटीन्स, फोर्थ हमारा हो गया एनीमिया। फिफ्थ देखिए, पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड डैश कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं पीपल जो ज़्यादा वर्क करते हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, कितनी, मोर या लेस, यानी कि ज़्यादा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उन्हें ज़्यादा लेना चाहिए जो पीपल ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हमारे हो गए सी फिलिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाइए डी है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स करना है यानी जो भी हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट यानी सेंटेंस ट्रू है उसके सामने हमें टी बनाना है, और जो स्टेटमेंट या सेंटेंस हमारा फॉल्स है उसके सामने हमें एफ बनाना है। स्टेटमेंट ही हमारा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, फर्स्ट है देखिए, इसमें फर्स्ट है हमारा रफेज कीप्स द बाउल मूवमेंट प्रॉपर। मैंने क्या बताया था, रफेज जो है इससे हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो कैसा रह सकता है, प्रॉपर रखता है। ठीक है, रफेज जो है, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, जैसे कि सलाद है तो खाने के साथ साथ हमें सलाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या क्या, उससे क्या होगा, हमारा जो भी मैंने क्या बताया यहाँ पे, बाउल मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर रहेगा, यानी कि अच्छे से रहेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो मैंने फर्स्ट पर क्या किया है, ट्रू ट्रू था, तो ट्रू के लिए मैंने क्या बताया था, ट्री बनाना है। सेकंड है,
यंग चिल्ड्रन नीड लेस प्रोटीन्स देन एडल्ट, कह रहे हैं यंग चिल्ड्रन जो होते हैं यानी जो बच्चे जो होते हैं उनको कम ज़रूरत होती है प्रोटीन की एडल्ट से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि छोटे बच्चों को यानी यंग चिल्ड्रन को, यंग बच्चों को प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है एडल्ट से, क्यों, क्योंकि प्रोटीन से क्या होती है, ग्रोथ होती है, और यंग बच्चों को यानी छोटे बच्चों को प्रोटीन इसलिए ज़्यादा लेना चाहिए ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो मूवमेंट में यानी कि कंटिन्यू रहे और वो रुके नहीं, ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं नीड लेस प्रोटीन, कम प्रोटीन की जरूरत नहीं, मोर, अगर यहाँ लेस की जगह अगर मोर होता तो ये हमारा ट्रू हो जाता, ट्रू के लिए हम क्या करते हैं, टी, ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं लेस प्रोटीन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, या फिर हमारा यंग चिल्ड्रन की जगह अगर यहाँ पर एडल्ट होता, एडल्ट नीड लेस प्रोटीन देन यंग चिल्ड्रन, तो ये हमारा ट्रू हो जाता, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्यों, क्योंकि हमसे कहा गया है यंग बच्चों को कम ज़रूरत होती है प्रोटीन की एडल्ट से, तो ये इसलिए मैंने क्या किया है, फॉल्स, फॉल्स था, इसलिए मैंने क्या बनाया यहाँ पर, एफ। थर्ड है शुगर एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कह रहे हैं शुगर और स्टार्च जो है वो किसकी एग्जाम्पल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल हैं, तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू। फोर्थ है टू मच ऑफ फैट कॉजेज ओबेसिटी, कह रहे हैं अगर आप फैट ज़्यादा ले लेंगे तो हमें ओबेसिटी हो सकती है, ये भी हमारा ट्रू है, ओबेसिटी क्या है, मोटापा, ठीक, तो ये हमारा क्या है, ट्रू, इसलिए मैंने क्या बनाया, ट्रू के लिए यहाँ पर टी। फिफ्थ है आवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, कह रहे हमारी बॉडी को कम से कम विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत है, यहाँ पर अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था, विटामिन एंड मिनरल्स हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, तो हमारी बॉडी को कम से कम नहीं, हमें मतलब लिमिट तक एक विटामिन और मिनरल्स लेना चाहिए, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, पेज नंबर, ये सबको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, सपोज जैसे संडे में आपको देखना है ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं वो यहाँ पर लिखना है, लंच में क्या लिया आपने उस दिन वो यहाँ पर लिखना है, और डिनर यानी कि रात के खाने में आपने क्या लिया, क्या खाया वो यहाँ पर लिखना है, इसी तरह से मंडे देन इसी तरह से सैटरडे, होम एक्टिविटी है ये आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करनी है, ठीक। चलिए पेज नंबर 46 पर यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 46 पर यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जहाँ हम लोगों ने पीए फर्स्ट का अपना सिलेबस कंप्लीट किया है लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर, वहीं से हमें आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, कोई पेज नहीं छोड़ना है हमें। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ सभी लोग डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 5 डालेंगे, लेसन नंबर 5 हेल्थ, अच्छा एक चीज़ और, मैंने इसको पेन से किया है, आप लोग को पेंसिल से ही वर्क करना है, ठीक है, मैंने इसको पेन से वर्क किया है, आप लोग किससे करेंगे, पेंसिल से वर्क करेंगे, तो यहाँ डेट शो करिएगा आज की, जब भी आप लोगों की वीडियो अपलोड होती है वो डेट यहाँ पर शो करनी है, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं हम, लेसन नंबर 5, लेसन नेम क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर दी मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, हमें मेन न्यूट्रिएंट्स बताने हैं फूड के कौन कौन से हैं, तो वो हमने क्या बताया था आपको, द मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फॉर प्लांट्स डिपेंड ऑन मैन एंड एनिमल्स, कह रहे प्लांट्स डिपेंड ऑन मैन और एनिमल्स, कह रहे प्लांट्स जो हैं वो मैन पर एंड कैसे किस तरह से डिपेंड हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट्स डिपेंड ऑन मैन एंड एनिमल्स फॉर किस तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए, ठीक है, डिपेंड है प्लांट्स। थर्ड है फिर इसमें व्हाई डू वी नीड फूड, यहाँ पर हमसे थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें फूड की क्यों ज़रूरत है, तो हम क्या बताएंगे, वी ऑल नीड फूड बिकॉज, क्वेश्चन आपको सभी को नोट करने हैं, ठीक है, आंसर देखिए आंसर 3, वी ऑल, जब क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन 3 या सभी इसी तरह से क्वेश्चन, देन उसका आंसर आपको बाद में लिखना है, ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा, वी ऑल नीड फूड बिकॉज, कह रहे हम सभी को खाने की ज़रूरत है, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, बिकॉज फूड हेल्प अस टू ग्रो, यानी कि फूड जो है वो ग्रो करने में हेल्प करता है हमारी, और इट गिव अस, इट या फिर फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, और फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम वर्क, कोई भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर आपकी स्पेस है तो वहीं से कंटिन्यू करिए, और अगर आपका ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ पा रहा है तो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी डेट शो, जितने पेजेस पर वर्क करेंगे उतने पेजेस पर डेट ज़रूर शो करनी है, ठीक, यहाँ डेट शो करने यहाँ पार्ट नंबर 5, आंसर नंबर 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वॉट इज़ अ बैलेंस डाइट, हमें क्या बताना है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर हो जाएगा, अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट इंक्लूड्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स वाटर एंड रफेज, कह रहे हैं बैलेंस डाइट जो है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें करेक्ट अमाउंट में लेना पड़ेगा, फैट्स हमें लेने पड़ेंगे, प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स वाटर एंड रफेज, यानी जितनी भी चीज़ें अभी हमने न्यूट्रिएंट्स में पढ़ी है इंक्लूड वाटर रफेज भी हमारा हमें बैलेंस डाइट में
बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, करेक्ट अमाउंट में, ना ही ज़्यादा और ना ही बहुत कम, ना ही बहुत ज़्यादा लेना है हमें ये सभी चीज़ें और ना ही बहुत ज़्यादा कम लेनी, ठीक है, करेक्ट अमाउंट में, यानी कि बिल्कुल एक नॉर्मल हमें लेना है सभी चीज़ें। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू प्रोटीन्स हेल्प अवर बॉडी। यहाँ पर कह रहे हैं प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से हेल्प कर सक करते हैं, तो हम आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से नोट करेंगे बुक से अपने। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं करेगा, तो आंसर 5 हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे हेल्पफुल है, क्या यानी कि क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोटीन्स हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो वेल। प्रोटीन से हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी। हमें यहाँ पर प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस पूछी गई, तो मैंने क्या बताया था, प्रोटीन की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बच्चे जो होते हैं उन्हें प्रोटीन देना चाहिए, ताकि जो उनकी जो ग्रोथ की जो एज है वो ना रुके और वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके। ठीक, चलिए यहाँ पर डेट सभी को शो करनी है, पार्ट 5, इस तरह से वीडियो को यहाँ पॉज करिएगा और इस वर्क को सभी को कम्प्लीट करना है, ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब मैं बार बार बता रही हूँ, मैंने पेन से लिखा है ताकि क्लियर रहे, आप लोग को पेंसिल से ही वर्क इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं पार्ट नंबर 5 के। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 में आज क्या क्या पढ़ा है। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 42 पर हमने स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की। पार्ट नंबर 5 मैंने यहाँ भी बताया था आप लोग को डालना है और डेट शो करनी है। यहाँ लेसन नंबर 5 था, लेसन नेम क्या था, फूड, ठीक है। पेज नंबर 42, पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44 पर पेज नंबर 46 के हाफ तक मैंने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन पेज नंबर 45 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन करे थे, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी हमने। पेज नंबर 46 पर हमने बाकी की एक्सरसाइज करी थी और पेज नंबर 47 पर जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको होमवर्क में दी है, ठीक है। और पेज नंबर 46 पर देखिए जो मैंने क्वेश्चन आंसर थे, बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनको आप लोगों को कहाँ करना है, कॉपी में करना है। यहाँ पर हम लोग का जो भी पार्ट नंबर 5 में जितना भी वर्क था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ मैंने इजीली आप लोग को अच्छे से बता ही दें, इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।